सोलन के चार युवाओं ने हिमाचल के पहले डिजिटल रेडियो की नींव रखती है। ये चारों युवा छात्र हैं और रेडियो जॉकी का डिप्लोमा किया है। ये रेडियो इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में सुना जा सकेगा। इसकी खास बात ये होगी कि इसमें कोई भी व्यक्ति जिसमें किसी भी तरह की प्रतिभा है उसे रेडियो के माध्यम से पूरे विश्व के समक्ष पहुँचाया जाएगा। जल्द डिजिटल रेडियो से जुड़ी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे डाउनलोड कर सभी इस रेडियो का आनंद उठा पाएंगे। ये रेडियो स्टेशन 24 घंटे काम करेगा। इसमें हिमाचली कार्यक्रम लोकगीत के अलावा पुराने हिंदी गीतों का भी लोग आनंद ले सकेंगे। सोलन में शुरू होने वाला इंटरनेट रेडियो स्टेशन जहां प्रदेश का पहला इंटरनेट रेडियो स्टेशन होगा, वहीं ये उत्तरी भारत का दूसरा इंटरनेट रेडियो होगा। अधिक जानकारी देते हुए अनिल ठाकुर ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य हिमाचल की संस्कृति और हिमाचली प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जिस घर में टैलेंट है और रेडियो के क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा है, उनका लक्ष्य उस हर घर से प्रतिभाशाली युवाओं को रेडियो जॉकी का एहसास दिलाना है। हिमाचल का पहला डिजिटल रेडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं सोलन से, और इस रेडियो का जो मेन उद्देश्य होगा हिमाचल के हर युवा को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हमने करवाना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसके साथ जुड़े, और इसमें हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ताकि बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन होती है वो किसी भी तरह की हेजिटेशन ना रहे। हिमाचल का ये पहला डिजिटल रेडियो होगा जो कि हिमाचल के युवाओं द्वारा तैयार किया गया है, और हिमाचल के युवा ही इसे आगे चलाएंगे, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा, ये पूरे भारत में चलेगा। कहीं से भी जो हमारे लिसनर्स हैं वो 2G नेट से भी बड़े इजीली हमें सुन सकते हैं। बिल्कुल डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा, क्योंकि आने वाले 5 सालों की बात हम करेंगे तो अभी तो खैर कन्वेंशनल रेडियो चले हुए हैं, लेकिन 5 साल बाद डिजिटल रेडियो का ही टाइम होगा। जी, ये 24 घंटे रेडियो चलेगा, और इसमें जो पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं वो हम चलाएंगे, पहाड़ी जितना भी टैलेंट है उनको हम प्रमोट करेंगे।